नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीत। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों से बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होती है, तो उनको बता दूं कि दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कॉल ये होती है कि आप एक टाइम पे एक से अधिक लोगों से, एक से ज़्यादा लोगों से बातें कर सकते हैं एक ही टाइम पे। यानी कि आपके मान लीजिए चार दोस्त हैं, चारों से आप एक साथ बात करना चाहते हैं, तो चारों से आप सेम टाइम पर एक ही टाइम पर बातें कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, अभी तक नॉर्मल कॉल पर हम एक टाइम पर एक ही व्यक्ति से बात करते हैं, पर दोस्तों कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर हम एक टाइम में एक से अधिक लोगों से बातें कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके कोई चार दोस्त हैं और चारों से आप एक साथ बात करना चाहते हैं, तो वो आप कॉन्फ्रेंस कॉल की मदद से बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो किस तरीके से कर पाएंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आपके मोबाइल फ़ोन के डायलर पर चले जाना है। डायलर पर आपको, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक कस्टमर केयर का नंबर डायल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आप अपने फ्रेंड का, जिसको भी ऐड करना चाहते हैं, जिससे भी बात करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉल कनेक्ट करनी है। जैसे ही कॉल उठ जाएगी, यानी कि रिसीव हो जाएगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉल कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर ऐड कॉल। तो यहाँ पर आप नई कॉल को ऐड कर सकते हैं। ये कॉल चल रही है, एक नई कॉल को जोड़ना चाहते हैं, तो ऐड कॉल को यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप टच करते हैं, तो यहाँ पर आपको डायल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रीसेंट कॉल, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से आप चाहें तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 198 ही फिर से आपको डायल करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, एक कॉल चल रही है और दूसरी कॉल यहाँ से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर कि एक कॉल जो है, पहली वाली कॉल, वो ऑन होल्ड दिखा रहा है, यानी कि वो होल्ड पे चली गई है, और दूसरी कॉल चालू हो चुकी है, यानी कि रिसीव हो गई, उठ गई। अब ये दोनों कॉल को एक साथ अपन को मर्ज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों कॉल को एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्ज कॉल्स इस तरीके से लिखा है। तो आपको ये मर्ज जो लिखा है, इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर मर्ज करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस कॉल लिख के आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ये कॉन्फ्रेंस कॉल है, इस तरीके से यहाँ पर ये लिख के आ जाता है इस तरीके से। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं और लोगों को ऐड करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड कॉल इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर एक बार और टच करेंगे, तो यहाँ पर और भी लोगों को आप इस तरीके से ऐड कर पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो दो कॉल थी, वो यहाँ पर कनेक्ट है, होल्ड पे है, और यहाँ पर ये तीसरी कॉल लग चुकी है, और इसको भी आपको मर्ज कॉल करना है इस तरीके से। और देख पाएंगे आप, ये भी मतलब तीन तीन लोग दिखा रहे हैं, थ्री पीपल। तो यहाँ पर तीन लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो आप यदि देखना चाहें कि कौन कौन को आपने जोड़ा है लाइन पे, तो यहाँ पर मैनेज पे आपको टच करना है। जैसे ही मैनेज पे करोगे, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन लोगों से हम एक टाइम पे बातें कर रहे हैं, यानी कि चौथा मैं हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों, आप जितने चाहे उतने लोगों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं ऐड कॉल करके। इस तरीके से दोस्तों, आप बहुत ही आसान तरीके से कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, एक से अधिक लोगों से एक ही टाइम में बातें कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो, तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यहां से इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, बाजू में आपको घंटी का बटन दिखाई देगा, इसको दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो आएगी, तो वो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।